प्रदेश में इस समय मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, जिसके चलते ऊपरी क्षेत्र के बांधों के गेट खोले जा रहे हैं और लगातार हो रहे मानसून का असर भारत के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर बांध पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते लगातार बारिश की वजह से इंदिरा सागर बांध के शनिवार को 20 गेट खोले गए। पानी भरने की क्षमता को देखते हुए अभी कम मीटर में गेट खोले गए हैं, बाद में मीटर को बढ़ाकर गेट खोला जाएगा। पानी को मेंटेन रखने के लिए इंदिरा सागर बांध पूरी टीम नजर बनाए हुए है। इंदिरा सागर बांध से निकलने का पानी का असर ओंकारेश्वर बांध पर पड़ा। इंदिरा सागर बांध के पानी छोड़ने के चलते ओंकारेश्वर बांध से भी पानी छोड़ा गया। इंदिरा सागर बांध का जलाशय है, जिसकी जल भरण क्षमता जो है वो भारत में सबसे अधिक है और एशिया में ये दूसरा लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके ऊपरी कछार में भारी वर्षा को देखते हुए हमने कल दोपहर को ही एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि इस बांध के गेट को ऑपरेट करके कभी भी अतिरिक्त जल राशि को निकाला जा सकता है।